जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देश दुनिया के तमाम सबसे बड़ी और अहम खबरों के बारे में। तो बात करते हैं सबसे पहली खबर, सुप्रीम कोर्ट की कैंसर को सख्त हिदायत। जी हां, सोशल मीडिया पर शिकायतों को दबाए नहीं, निजी कंपनियां ये नहीं तय करेंगी किस राज्य को कितनी वैक्सीन मिलेगी। जी हां, केंद्र सरकार के रवैये को लेकर आजकल सुप्रीम कोर्ट काफी ज्यादा सख्त और नाराज नजर आ रहा है। जी हां, मोदी सरकार लगातार जो सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कोई भी कोई अपने कमेंट्स करता है या फिर कोई अपनी बात रखता है तो उसे तुरंत दबा दिया जाता है। यहां तक कि फेसबुक पर हैशटैग रिजाइन मोदी चला था जिसको लेकर सोशल मीडिया ने जी हां उसे जो है ब्लॉक कर दिया था कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ। हालांकि कुछ घंटों बाद उसको वापस से जो है लागू कर दिया गया था। इस पर कहा गया था गलती से ये हो गया था। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर कोई शिकायत करता है तो उसे दबाए नहीं बल्कि उससे जानकारी ले कि आखिर कमी कहां है। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से क्या कहा, अब तक ऑक्सीजन सिलेंडर्स और टैंकर्स की सप्लाई के लिए क्या कदम उठाए गए। मोदी सरकार ने अभी तक ऑक्सीजन और सिलेंडर टैंकर्स के लिए क्या किया, अब तक कुछ भी लिखित में जवाब नहीं मिला। दूसरी सबसे बड़ा सवाल, ऑक्सीजन की कितनी सप्लाई की उम्मीद है, आखिरकार ऑक्सीजन का उत्पादन कितना हो रहा है, खपत कितनी है, इसका क्या जो है सिस्टम है, क्या जो है इसके आंकड़े हैं, इसको लेकर अभी तक कोई भी हलफनामा दाखिल नहीं हुआ। तीसरा सवाल, निरक्षर और ऐसे लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए क्या व्यवस्था है जिनके पास इंटरनेट नहीं है। जी हाँ, देश में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है घोषणा कर दी गई कि 18 साल के तमाम ऊपर के लोगों को जो है वैक्सीनेशन 1 मई से देना शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक इस बात में जो है कितनी सच्चाई आप अंदाजा लगा लीजिए कि महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने अपने अपनी तरफ से शिकायतें दर्ज कर दी कि उनके पास पर्याप्त वैक्सीन की डोज ही नहीं है तो वैक्सीनेशन कैसे करेंगे। इन तमाम चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जो है केंद्र सरकार के ऊपर काफ़ी सख्त नजर आ रही है। जी हाँ, पहला सवाल, बेड्स की कमी पर हालात बेहद गंभीर है, अब तो डॉक्टर्स और हेल्थ के वर्कर्स को भी बेड नहीं मिल रहे, जब होटलों, मंदिरों, चर्चों और दूसरी जगह खोल दिया जाए ताकि इन्हें कोविड सेंटर्स में तब्दील किया जाए। जी हाँ, लगातार जो है इस समय देश में कोरोना की महामारी जो है अपने चरम पर है। बात करें पिछले 24 घंटों की तो पूरे दुनिया में 6.5 लाख के करीब मामले निकल के आए जिसमें 3,86,000 से भारत से निकल के आए, और मरने वालों की बात करें तो हर 5वां व्यक्ति जो कोविड से मर रहा है वो भारत से जा रहा है। यानी कि भारत सरकार की क्या, यानी कि मोदी सरकार ने क्या किया एक साल में इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर लेकर, ताकि बाकी जितने भी गोदी मीडिया इन तमाम चैनलों पर जो है साफ साफ दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार मोदी सरकार पूरी तरह से इस महामारी से निपटने के लिए फेल हो गई। चुनाव प्रचार प्रसार में जितना समय मोदी सरकार ने दिया उतना समय अगर कोविड से लड़ने के लिए दिया होता तो आज भारत में इस प्रकार की मौतें नहीं होती। बात करें दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई पर, जी हां, ऑक्सीजन टैंकर्स और सिलेंडर्स की सप्लाई को लेकर क्या कदम उठाए गए। दिल्ली में लगातार लोग कोरोना से कम ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं जिसको लेकर कई अस्पतालों ने जो है हॉस्पिटल ने जो है पूरी तरह से कोर्ट का रुख किया, और कोर्ट ने उन्हें आश्वासन दिया कि दिल्ली में अगर किसी को भी ऑक्सीजन की कमी से मौत होती है तो उसके जिम्मेदार केंद्र सरकार और वो राज्य सरकारें होंगी जो पूरी तरह से व्यवस्थाएं नहीं कर पा रही हैं। तो चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जिया कोरोना वॉरियर, 85 वर्ष की दादी ने 5 साल पहले कैंसर को हराया और अब कोरोना को मात दी। उन्होंने कहा कि जंग रोक कर नहीं हंस कर जीती जाती है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना से डरने वाली बात बिल्कुल नहीं, अगर आपके जज्बे मजबूत है और आपने जो है हिम्मत बांध रखी है तो आप जो है पूरी तरह से ठीक होकर उभर सकते हैं, क्योंकि 85 वर्ष की दादी अगर ठीक हो सकती है तो आप और हम सभी लोग जो है स्वस्थ हो सकते हैं। तो कोरोना से डरिए नहीं बल्कि उससे लड़िए। अब बात करते हैं अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ, ऑक्सीजन की कमी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले को नोटिस में लेने का मतलब केस ट्रांसफर नहीं, हाईकोर्ट को नहीं रोका, वो ऑर्डर जारी कर सकते हैं। जी हाँ, बॉम्बे हाईकोर्ट हो, चाहे दिल्ली हाईकोर्ट हो, चाहे मद्रास हाईकोर्ट हो, कोई भी हाईकोर्ट अपने राज्य सरकार को जो है पूरी तरह से आदेश जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो सिर्फ सुनवाई करे, इसका मतलब ये नहीं कि केस ट्रांसफर हो गया। कोरोना से देश में दिया दुनिया में कल करीब 9 लाख नए मरीज मिले, इनमें से 3,86,000 अकेले भारत में है, और हर 5वीं मौत भी हमारे यहाँ से हो रही, जो अपने आप में काफी ज्यादा अपमानजनक और चिंता का विषय बना हुआ है।